आज हम फैटी लिवर एंड लिपोट्रोफिक फैक्टर पढ़ेंगे। व्हाट इज फैटी लिवर? नेम से सजेस्ट होता है कि लिवर में जो है, एज यू नो कि लिवर जो है वो फैट का क्या करता है, एक्सेप्ट भी करता है एंड उसका रिमूवल भी करता है विद द हेल्प ऑफ द लिपोप्रोटीन। सो जब फैट का कंसेंट्रेशन लिवर सेल्स के अंदर ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं फैटी लिवर। देन एज और बेसिकली ट्राइग्लिसराइड जो है वो एक्यूमुलेट होते हैं इन द कुप्पर सेल्स, मीन द सेल्स ऑफ द लिवर। सो जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है डिपोजिशन एज वेल एज रिमूवल का। डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है, रिमूवल जो है वो कम हो जाता है, जिसके कारण फर्स्ट तो क्या होगा, जैसे फैट एक्यूमुलेट हो गए तो उसके बाद क्या होगा, जो लिवर सेल्स में है उसमें फाइब्रोटिक चेंजेस आएंगे। देन यदि वो रिकवर नहीं हुए तो वो फाइब्रोटिक सेल्स जो है वो कार सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड इट कन्वर्ट इनटू द कंडीशन जिसको फाइब्रोटिक लिवर या सिरोसिस कहते हैं एंड इट इम्पेयर्स द लिवर फंक्शन टेस्ट। सो यदि इफ वी कंज्यूम मोर कार्बोहाइड्रेट देन इट लीड्स टू द फैटी लिवर। सो जनरली आपके लिवर सेल्स के अंदर लिपिड जो है वो एज अ ड्रॉपलेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और यदि उसका अमाउंट ज्यादा हो जाए तो वो क्या होता है, सेल्स जो होती है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती, देन इन्फ्लेमेशन की कंडीशन डेवलप होती है, देन फिर फाइब्रोसिस होके एंड इट लीड्स टू द सिरोसिस। सो यदि लिवर सेल्स के अंदर ज्यादा ट्राइग्लिसराइड्स एक्यूमुलेट हो जाएगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस साइड में हो जाएगी, जिसके कारण जो लिवर है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा, उसके अंदर फाइब्रोटिक चेंजेस आएंगे, देन सिरोसिस। सिरोसिस जो है वो रिवर्सिबल कंडीशन नहीं होती। सो मेजर कॉजेस क्या होते हैं, फर्स्ट कि आपका डिपोजिशन ज्यादा हो रहा है एंड सेकंड रिमूवल कम हो रहा है। डिपोजिशन क्या से ज्यादा होगा, एडिपोज टिश्यू से आप जो है लिवर में फैटी एसिड का मोबिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम VLDL, ठीक है, और LDL। देन मोर सिंथेसिस ऑफ द फैटी एसिड फ्रॉम द ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो एक्सेस यदि अमाउंट में ज्यादा लेंगे तो एक्सेस अमाउंट ऑफ पाइरूवेट सिंथेसाइज होगा, जिससे एसिटाइल कोएंजाइम A का सिंथेसिस ज्यादा होगा एंड जिससे फैट का सिंथेसिस ज्यादा हो जाएगा। देन व्हाई द देयर इज रिडक्शन इन द रिमूवल ऑफ फैट, या तो आपका VLDL का सिक्रीशन जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एनी इंजरी टू द लिवर, या आपका बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो कम हो रहा है। बीटा ऑक्सीडेशन क्या करेगा, दैट रिमूव द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द फैट फ्रॉम द बॉडी। एंड यदि लिवर में इंजरी है तो VLDL का सिक्रीशन जो है वो अफेक्ट हो जाएगा विद द डिक्रीज। VLDL में क्या होता है, एपोप्रोटीन 100 एंड एपोप्रोटीन सी होती है, तो यदि कोई भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो एपोप्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसके कारण VLDL का फॉर्मेशन जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। सो दीज आर द जनरल कॉजेज ऑफ द फैटी लिवर। ठीक है, VLDL क्या करता है, इट रिमूव द ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम लिवर टू द एंड एक्यूमुलेट इन द ट्राइग्लिसराइड इन द मसल। सो ओवर प्रोडक्शन ऑफ द फैट मीन्स आपके बॉडी में फ्री फैटी एसिड का लेवल ज्यादा है, सो वो आपके लिवर में आके एक्यूमुलेट होंगे एंड फ्री फैटी एसिड किस कंडीशन में ज्यादा हो जाएगा, जब आप हाई फैट डाइट लेंगे, देन जो मोबिलाइजेशन होता है वो ज्यादा हो रहा है एंड क्योंकि आप ज्यादा फैट ले रहे हो तो एक अमाउंट में ही आपका VLDL ट्रांसफर कर सकता है, तो यदि आप एक्सेसिव फैट इनटेक कर रहे हो तो आपका इनटेक ज्यादा है एंड रिमूवल कम है, जो कि बेसिकली किसमें होता है, इन द केस ऑफ स्टार्वेशन एंड डायबिटीज। स्टार्वेशन एंड डायबिटीज में क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम A का सिक्रीशन बढ़ जाता है, ठीक है, तो फैटी एसिड का सिंथेसिस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बीटा ऑक्सीडेशन लो हो रहा है। एंड इन एल्कोहल में क्या होता है, कंजम्पशन में आपका एसिटाइल कोएंजाइम यूज होता है, जिसके कारण NADPH की रिक्वायरमेंट होती है, तो NADPH की रिक्वायरमेंट के लिए आपका ऑक्सलो एसिटेट जो है वो मैलेट में कन्वर्ट होता है, सो साइट्रिक एसिड प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं होती, जिसके कारण क्या होता है, आपका
जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो बीटा ऑक्सीडेशन के लिए कम जा पाता है. तो इससे अल्कोहलिज्म की कंडीशन में फैट का ओवर प्रोडक्शन होता है एंड इन केस ऑफ हाई फैट डाइट. देन फ्री फैटी एसिड ज्यादा होगा तो लिवर ज्यादा अमाउंट में फैट लेगा एंड इट एस्ट्रिफाइड इनटू फ्री फैटी एसिड से ट्राइग्लिसराइड बनेगा. एंड VLDL का क्या काम होता है, इट कैरीज द ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम लिवर टू द एडिपोज टिश्यू. ठीक है, सो यदि ट्राइग्लिसराइड ज्यादा बन रहा है तो ज्यादा अमाउंट ऑफ VLDL चाहिएगा टू ट्रांसफर इट टू द एडिपोज टिश्यू. देन सेकेंड केस है यदि आप एक्सेस ऑफ कैलोरी इंटेक कर रहे हैं, सो ओबेसिटी इज अकॉम्पनीड विद द फैटी लिवर. देन आई हैव एक्सप्लेन इन अर्लियर एल्कोहलिज्म में क्या होता है, एल्कोहल जो है वो किसमें कन्वर्ट होता है, एसिटाइल्डिहाइड. इसमें NADH का रिक्वायरमेंट होता है बिकॉज इट इज अ डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एल्कोहल इंटू एसिटाइल्डिहाइड. सो NADPH की रिक्वायरमेंट के लिए कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, जो कि क्या करता है ऑक्सैलो एसिटेट को मैलेट में कन्वर्ट करता है. सो ऑक्सैलो एसिटेट की अमाउंट कम हो जाएगी, तो जब ऑक्सैलो एसिटेट कम होगा तो आपका एसिटाइल कोएंजाइम साइट्रिक एसिड साइकिल में कम जाएगा, वो किस में चला जाएगा, फैटी एसिड सिंथेसिस में, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम आपका TCA में भी यूज होता है एंड फैटी एसिड सिंथेसिस में भी यूज होता है. सो यदि वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और TCA में यूटिलाइज नहीं हो रहा तो वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, फैटी एसिड सिंथेसिस में. इसलिए एल्कोहलिज्म में ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ट्राइग्लिसराइड जो है वो उसका एक्यूमुलेशन इन द लिवर सेल जो है वो ज्यादा हो जाता है क्योंकि आपका ऑक्सैलो एसिटेट कम यूटिलाइज हो रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ NADH विच इज यूज टू कन्वर्ट एल्कोहल इंटू एसिटाइल्डिहाइड. देन इफ देयर इज अ इम्पेयर्ड सिंथेसिस ऑफ द फैट, यानी VLDL प्रॉपर सिंथेसाइज नहीं हो रहा. क्यों, या तो फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस डिफेक्ट है. फॉस्फोलिपिड्स में बेसिकली फॉस्फेटिडाइल कोलीन, जिसे हम लेसिथीन भी बोलते हैं, विच इज अ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड जो कि फॉर्मेशन करता है VLDL का. और यदि एपोलिपोप्रोटीन सिंथेसिस जो है वो प्रॉपर नहीं है क्योंकि VLDL के अंदर लिपिड, VLDL इज अ लिपोप्रोटीन जिसमें लिपिड भी है एंड प्रोटीन भी है. सो एपोलिपोप्रोटीन इज अ प्रोटीन पार्ट ऑफ द लिपिड. देन इफ देयर इज अ फेलियर इन द फॉर्मेशन ऑफ द लिपोप्रोटीन, यदि लिपोप्रोटीन प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो रहे, देन यदि प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो रहा VLDL, या तो स्ट्रेस की कंडीशन में या ऑक्सीडेंट का लेवल ज्यादा हो रहा है जो कि क्या करता है, लिपोप्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देता है. सो इन फोर कंडीशन में VLDL का सिंथेसिस जो है वो प्रॉपर नहीं होगा, या तो फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस डिफेक्ट है, या एपोप्रोटीन का, या लिपोप्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हो रहा, या उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है इन केस ऑफ स्ट्रेस एंड इन केस ऑफ ऑक्सीडेंट. देन इंजरी की केस में आपका VLDL प्रॉपरली सिंथेसाइज नहीं होता. इंजरी में बेसिकली पॉइजनिंग होती है, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, आर्सेनिक और लेड, जो कि क्या करती है, लिवर सेल्स को अफेक्ट करती है. देन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में प्रॉपरली प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगा जिसके कारण एपोप्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगा. एंड इन कंडीशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस, जिसमें हेपेटिक सेल जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती. देन व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर द फैटी लिवर, फैटी लिवर आपका शॉर्ट नोट में आ सकता है एंड द लिपो प्रोटीन फैक्टर. सो यदि आप फैट का इंटेक ज्यादा करोगे, या इन केस ऑफ डायबिटीज एंड स्टार्वेशन या इंसुलिन इनसफिशियंसी, इन केस ऑफ एल्कोहलिज्म, इन केस ऑफ एनी डेफिशिएंसी इन द लिपोट्रॉपिक फैक्टर. लिपोट्रॉपिक फैक्टर वो होते हैं जो मोबिलाइजेशन करते हैं फैट का फ्रॉम लिवर टू द पेरिफेरल टिश्यू. देन इन केसेस ऑफ सर्टेन केमिकल्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट कर देते हैं जिसके कारण VLDL का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाता. इन केस ऑफ हाई कैलोरी इंटेक, इन केस ऑफ ओबेसिटी एंड केस ऑफ हॉर्मोन्स विच एनहेंस द लिपोजेनेसिस, मींस फैटी एसिड का सिंथेसिस बढ़ा रहे हैं. देन दीज आर द स्टेजेस ऑफ द लिवर डिजीज. फर्स्ट आपका होता है नॉर्मल लिवर, फैट डेपोजिशन से बनता है फैटी लिवर. यदि ये कंडीशन रिवर्सिबल नहीं होती तो फिर वापस चला जाता है वो फिब्रोसिस में. देन
दिस इज ऑल्सो रिवर्सिबल कंडीशन, लेकिन यदि एक बार फाइब्रोसिस स्टार्ट हो गया तो वापस किस में चला जाएगा, सिरोसिस, विच मीन्स द लिवर फेलियर और द लिवर सेल्फ डेथ. देन आपका फैटी लिवर, दो तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं. वन इज द नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जिसे NAFLD कहते हैं, एंड सेकेंड इज द एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज. सो अपार्ट फ्रॉम द एल्कोहल, जो फैक्टर्स लिपिड का डिपोजिशन लिवर सेल्स के अंदर कराते हैं उसे बोलते हैं हम NAFD, मीन्स नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जिसके कॉजेज हैं डायबिटीज, ओबेसिटी, इंक्रीज लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड, सर्टेन स्टेरॉइड्स, पॉइजन, एनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एंड द स्टार्वेशन. देन यदि आपकी नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को कंट्रोल नहीं करा गया तो उसमें क्या होगा, इंफ्लेमेशन की कंडीशन. पहले फैट डिपोजिशन होगा, फिर उसके बाद जो है इंफ्लेमेटरी जो कंडीशन आती है उसे बोलते हैं NASH, means non-alcoholic steatohepatitis, जिसमें इंफ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है इन द लिवर सेल. देन यदि कंटिन्यूअसली फैट आपका एक्यूमुलेट रहेगा तो वो क्या करेगा, न्यूक्लियस को साइड में पुश कर देगा और हेपेटिक सेल्स जो है वो लाइज हो जाएंगे, जिसके कारण स्कारिंग हो जाएगी एंड फाइब्रोसिस ऑफ लिवर को बोलते हैं सिरोसिस, एंड लिवर फंक्शन टेस्ट आपके एबनॉर्मल हो जाएंगे. सो सिरोसिस क्या होते हैं, जिसमें फैट ड्रॉपलेट्स मिलेंगे, न्यूक्लियस आपकी साइड में पुश्ड होगी और हेपेटिक सेल्स जो है वो लाइज्ड हो जाएंगे, एंड लिवर सेल्स में फाइब्रोसिस मिलेगा तो उसे हम बोलते हैं सिरोसिस. तो फाइब्रोटिक कंडीशन ऑफ द लिवर इज नोन एज सिरोसिस. इसका मतलब होता है कि आपका लिवर जो है वो प्रॉपरली लिवर डेथ या द डेथ ऑफ द लिवर सेल्स. सो फैट एक्यूमुलेट होगा उसको बोलेंगे हम फैटी लिवर. देन यदि आपका इंफ्लेमेशन हो गया तो उसे बोलेंगे NASH, means नॉन एल्कोहलिक स्टेरोहेपेटाइटिस, which then convert into the cirrhosis, means complete scarring of the liver cells. Then alcohol liver disease means when in case of alcoholism the fat accumulates, क्योंकि fatty acid oxidation impaired हो जाता है and lipid सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण हाइपरलिपिडिमिया होगा एंड द सिरोसिस. सिरोसिस मींस आपका कंप्लीट इन अ लिवर फेलियर कंडीशन. देन हाउ टू डायग्नोज द कंडीशन, फर्स्ट हम क्या करेंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, लिपिड प्रोफाइल, जिसमें ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ेगा, वी कैन सी द बायोप्सी, अल्ट्रासाउंड एंड MRI. सो हाउ टू हील द फैटी लिवर डिजीज, क्योंकि उसमें फर्स्ट आप लिवर हेल्दी फूड खाएंगे, देन एनी इफ देयर इज अ इन्फ्लेमेशन वी विल हैव अ एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड कीटोजेनिक डाइट, वी कीप हाइड्रेटेड, वी रिड्यूस द स्ट्रेस, क्योंकि ऑक्सीडेंट रिलीज होते हैं इन केस ऑफ स्ट्रेस. देन वी कैन हैव अ कैस्टर ऑयल एंड द लिवर सपोर्ट न्यूट्रिशन. देन वॉट आर लिपोट्रॉपिक फैक्टर्स, वो सब्सटेंसेस जो कि एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट करे एंड फैट के मोबिलाइजेशन को एक्टिवेट करे, तो उसे बोलते हैं लिपोट्रॉपिक फैक्टर. यदि इन फैक्टर्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपकी लिवर डिजीज हो जाती है. देन वेरियस लिपोट्रॉपिक फैक्टर्स आर फोलीन, बीसेथीन, मिथायोनिन, आयनोसिटोल, फॉलिक एसिड, B12 एंड ग्लाइसिन एंड सेरीन. देन कोलीन एंड आयनोसिटोल, दीज आर द फॉस्फोलिपिड्स which are required in the synthesis of the VLDL. And choline जो है वो transmethylation reaction में भी use होता है. Then if any deficiency of amino acid is there, so उसके कारण क्या होगा, choline का synthesis नहीं होगा, जिसके कारण phospholipid का synthesis नहीं होगा and lipoprotein का formation नहीं होगा, जिसके कारण fatty liver की condition develop हो जाएगी. तो इस तरीके से यदि आपका lipotropic factor नहीं होता हमारी body में तो उसके कारण फैटी लिवर की कंडीशन जनरेट हो जाती है. देन यदि आप बीटाथेन नहीं होगा तो कोलीन का सिंथेसिस नहीं होगा, इट इज अ मिथाइल डोनर टू द कोलीन. देन मिथियोनिन, अगेन द प्रोटीन डेफिशिएंट हो जाएगा तो कोलीन का सिंथेसिस डेफिशिएंट हो जाएगा. देन असेंशियल फैटी एसिड क्यों रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इट सिंथेसाइज VLDL एंड अदर
lipoprotein factors. Then vitamin E and other antioxidant and selenium, these are protect the liver cells from the antioxidant effects. Oxidant में क्या होता है, ये fat के साथ combine करके fat को break down कर देते हैं. Then omega 3 fatty acid, it is a protective for the fatty liver. Then this is how we manage the liver. We should reduce the energy intake and the coffee intake. We should have a proper nutrition. We should decrease the amount of alcohol and smoking. We should decrease the level of stress and the certain drugs which are hepatotoxic, means these are injury to the, they cause the injury to the liver cells. That's it.